टू माई चैनल, इट्स मी जागृति। और आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, आज है फादर्स डे और आज की वीडियो होने वाली है उसी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का फर्स्ट फादर्स डे है। मेरी बेटी 1.5 साल की है, पहले भी फादर्स डे आया था बट थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। बट इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ स्पेशल उनके लिए करूँ, बिकॉज आशवी की सारी चीज़ें मैं ही प्लान करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए भी कुछ करा जाए ताकि उनको स्पेशल फील हो, वो फादर हैं। तो अब आशवी तो कुछ कर नहीं सकती, आशवी का इंस्टाग्राम अकाउंट, आशवी की सारी चीज़ें मैं ही प्लान करती हूँ, तो मुझे ही आशवी की तरफ से उसके पापा के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ प्लान करते हैं। और अभी इस टाइम उसके पापा घर पर नहीं हैं, वो किसी फंक्शन में गए हैं जहाँ से उन्हें आने में 1 आवर या 40 मिनट्स लगेंगे, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है सरप्राइज़ प्लान करने का। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने बस ये सोचा है कि मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर लूँगी बलून से एंड केक ऑर्डर कर दूँगी, तो उनको कुछ अच्छा स्पेशल लगेगा। वो तो रेडी होंगी क्योंकि वो फंक्शन से आ रहे हैं, मैं रेडी हो जाऊँगी, आशवी रेडी हो जाएगी और एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा जो उनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उनको ऐसे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ आशवी क्या कर रही है अभी। ये रही आशवी, आशवी यहाँ पर है एंड आशवी थोड़ी बहुत मदद कर रही है उसके पापा के लिए, तो उसके पापा जब भी व्लॉग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ आशवी ने थोड़ी सी हेल्प करी है, वो बलून फोड़ने का काम करेगी। तो वैसे मैं 2 बैलून्स फुला चुकी हूँ लेकिन वो हो गए बस्ट, वो बेकार हो गए क्योंकि आशवी उनके साथ खेल रही थी। अब मैं जल्दी से सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, चेंज करना है, डेकोरेशन करनी है, बहुत सारा काम है एंड आई हैव जस्ट ओनली 1 आवर। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। केक ऑर्डर करा है एंड वो थोड़ा दूर है तो पता नहीं वो केक लाते लाते डिलीवरी पर्सन जो भी केक लेकर आएंगे पता नहीं केक कैसा रहेगा। पैकेजिंग तो मैंने फ़ोन करके स्पेशली बोला है कि बहुत स्पेशल है, पैकेजिंग अच्छी करना, और जो मेरा ऑर्डर लेकर आ रहे हैं मैंने उनको भी फ़ोन कर दिया है कि प्लीज़ आराम से लेकर आना, मुझे कोई जल्दी नहीं है लेकिन आराम से केक लेकर आना, बट फिर भी पता नहीं वो केक कैसा आएगा। और मैंने केक फर्स्ट टाइम ऑर्डर करा है ऑनलाइन, वरना मैं हमेशा जाके परचेज करती हूँ, तो अब देखो क्या होगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, सुबह से कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से प्लानिंग बनी है। और अब मैं सोच रही हूँ चेंज कर लेते हैं और एक बार पतिदेव को फ़ोन कर लेती हूँ कि वो कहाँ पर है, कब तक आएंगे, क्योंकि आशी को ड्रेसअप करना है, मुझे तैयार होना है, केक मेरा आने वाला है 10 मिनट्स में, तो देखते हैं क्या होगा अब आगे। आप भी प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड मुझे एंड में कमेंट्स में बताना आपको ये सब कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। तो चलो अब चेंज करके फटाफट से तैयार हो गया, अब मैं हो चुकी हूँ अच्छे से तैयार, आशू को तैयार करना है, जब वो आ जाएंगे मुझसे कहेंगे मैं पहुँचने वाला हूँ 10 मिनट में, क्योंकि वो घर आने से पहले मुझे ज़रूर एक बार फ़ोन कर देंगे, बाहर से कुछ लाना है तो बता दो, तो वो जब मुझे फ़ोन करेंगे कि मैं घर पहुँचने वाला हूँ तब मैं आशू को रेडी कर दूँ, क्योंकि वो अभी से फिर परेशान हो जाएगी, क्योंकि मैंने सोचा उसको एक फ़्रॉक पहनाने की तो फ़्रॉक में परेशान हो जाएगी। और मैं तो पूरी तरह तैयार हो चुकी हूँ एंड मैंने भी एक क्यूट सा फ़्रॉक पहना है जो उनको बहुत पसंद है, और केक मेरा आ चुका है। केक वैसे ऊपर से तो सब ठीक है, अब टेस्ट में पता नहीं कैसा होगा,
टेस्ट में मैं बता दूंगी आपको एंड में टेस्ट कैसा है। केक आ चुका है और अभी वैसे उन्होंने कहा था कि मैं निकल रहा हूँ, 10 मिनट में निकल जाऊँगा, और वो शायद अभी तक निकले नहीं हैं, और ये बात हुए हुए आधा घंटा हो चुका है, तो थोड़े से लेट रहते हैं हमेशा। आप ये व्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी एक्साइटेड थी मिलने के लिए। तो चलो बाकी के काम कर लेते हैं, आशु को तैयार कर देते हैं और वेट करते हैं, बस वेट करते हैं उनका। हाय अन्नु, कम। हाय अनुष्का, आशवी आ जाओ, आशवी बुला रही है। सरप्राइज। फादर्स डे मनाने के लिए आई होप ये वीडियो पूरी देखने के लिए सबसे पहले थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय।